तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज की न्यू ब्लॉग, गुड मॉर्निंग आप सबके लिए, गुड मॉर्निंग है दोस्तों। और आज की ब्लॉग में स्वागत। फिलहाल कोलकाता हावड़ा जंक्शन में है। अभी फिलहाल दोस्तों हम सब हावड़ा जंक्शन में हैं और अभी फिलहाल ट्रेन हमारी लगी है और भागलपुर के लिए चलते हैं दोस्तों। आज इस बार तो कलकत्ता उतना अच्छे से घूम नहीं पाए, फिर नेक्स्ट बार दोस्तों कलकत्ता को अच्छे से टूर करेंगे और मतलब अच्छे से बताएंगे कोलकाता के बारे में। दोस्तों बहुत कुछ नहीं बताएं कोलकाता के बारे में, बहुत एक ऐसा रहस्य चीज़ छुपा रह गया जो कि हम बात नहीं कर पाए दोस्तों टाइम की वजह से। फिलहाल हम सब जहाँ तक घूमने था एक दिन में वहाँ तक घूम चुके हैं, एक दिन का ही टिकट। और रूम जाकर बताएंगे दोस्तों कि हम कैसे आए और टिकट की कैसे वजह से। और फिलहाल इधर से मेरा AC में B1 में टिकट है और B1 में चलते हैं। फाइनली हम सब लेट चुके हैं कि आयुष, और ये चादर दिया है ना आयुष, चादर दिया यही है। AC का कमर यही है, तकिया भी मिला है, चादर भी मिला है और कुछ नहीं मिला क्या रहे? हाँ, और एक चीज़ मिला है, इससे हम सब इसको मतलब ठंड लगेगा तो ओढ़ लेंगे। और ये मुंह पोछने के लिए दिया है खा कर क्या आयुष अभी खेल रहा है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आयुष से अभी नीचे, हम लोग फर्स्ट ऊपर वाले में हैं। हो गया, तो इधर लाल सुबह उतर के AC में यही होता है ना दोस्तों कि कुछ बाहर का नज़ारा, और ऐसे भी रात है, रात का नज़ारा कुछ तो दिखेगा नहीं। तो सुबह मिलते हैं और सुबह बात करते हैं। फिर 3 बजे लगभग, 4-3 बजे, कितने बजे, हम 7:50 में यहाँ से खुली है और 4 बजते भागलपुर हम सब पहुँच जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, सुबह सुबह ही उतर जाएंगे। आओ देखना आयुष, और अभी डिनर नहीं किए तो डिनर में क्या क्या आता है, यहीं से रेलवे का ही खाना ऑर्डर किए हैं दोस्तों, और देखते हैं क्या क्या आता है। फिलहाल अभी भूख तो बहुत ज़ोर से, बाहर का खाना कुछ मिला ही नहीं, तो फिलहाल हम सब कुछ खाएंगे। रात में जो डिनर होगी वो डिनर करेंगे, फिर आप सबको दिखाते हैं क्या डिनर करते हैं। तब तक के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय। तो फाइनली दोस्तों हमारी डिनर आ चुकी है और डिनर में वेज बिरयानी मंगाए हैं। वेज बिरयानी में स्वाद लेके बताते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें 2-3 पनीर और सोयाबीन और कुछ भी नहीं है। तो फाइनली दोस्तों रात में तो सो गए थे दोस्तों, एकदम सुबह सुबह नींद टूटी है और भागलपुर में ही नींद टूटी है। तो फाइनली हम सब भागलपुर स्टेशन आ चुके हैं। हम सब फाइनली उतर चुके हैं और अब चलते हैं अपने रूम की तरफ, देखते हैं ऑटो मिलती है या टोटो। लगभग क्यों आयुष, कुछ मिलेगा ना ना? आयुष को फीवर आ गया लगता है, ऐसी हल्का हल्का। ओह माय गॉड, अभी की मौसम दोस्तों लाजवाब मौसम है। फिलहाल दोस्तों मतलब अभी शाम हो गई है, अब रात को ना बहुत ज़्यादा थक गए थे दोस्तों, और अभी की मौसम लाजवाब और इससे भी मस्त मौसम। अभी फिलहाल कुछ देर रुके दोस्तों, हम अभी चलते हैं कुछ अलग जगह। इधर देखिए बिजली चमक रहा है भयंकर, और लेके चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर जो अभी मतलब एक पहाड़ी, थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, भागलपुर से मतलब बाईपास से जाना होगा। इस मौसम का जो नज़ारा है ना वहाँ मिलेगा। तो फिलहाल चलते हैं दोस्तों। वाओ, ओह माय गॉड, नज़ारा तो लाजवाब है दोस्तों। दोनों पट्टी गाज मतलब पैर लगी है, और ये खूबसूरती इतना ज़्यादा, क्या लाजवाब मौसम लोग दोस्तों। और अभी की मौसम तो फिलहाल थोड़ा सा है, सुहाना है, बादल ऊपर छाए हुए, लेकिन पहाड़ी इलाके में जो ये गाज वृक्ष रहता है ना दोस्तों, रोड के बगल में मिल जाता है ना, तो ऑफ रोडिंग करने में दोस्तों मज़ा आ जाता है। ये ऑफ रोडिंग का दोस्तों मज़ा है। Thank you.
दोस्तों हम सब रूम पर आ चुके हैं और शाम की मौसम हो चुकी है और वीडियो कर समाप्त करते हैं दोस्तों और कल की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। और फिलहाल कल तो बहुत एक अच्छा जगह है, वहाँ जाने के लिए सोचे, मतलब झरना ऊपर से पहाड़ के ऊपर से मतलब जल में ही है, तो वहाँ चलेंगे दोस्तों। और लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।